मैं हूं मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर में हूं और ये देवीगंज क्षेत्र लगता है। यहां पे आम आदमी पार्टी के द्वारा होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है और यहां पे आम आदमी पार्टी के सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं उनसे बात करूंगा और होली मिलन समारोह में वो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैं योगेश दीक्षित, आम आदमी पार्टी यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग वार्ड 11 के जो हमारे कानपुर के AYW के जिला अध्यक्ष है सुनील भाई, उन्होंने आज होली मिलन का प्रोग्राम रखा था। मेरे साथ आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साहिद भाई और मुशीर भाई और मुकेश भाई सारे लोग आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अभी होली मिलन का प्रोग्राम किया है, साथ ही साथ क्योंकि प्रोग्राम के साथ साथ पार्टी विस्तार का भी प्रोग्राम लगातार हम लोग कर रहे हैं। तो आज कानपुर जिले में हमने महासचिव नियुक्त किया है प्रियंका जी को, जो आने वाले समय में क्योंकि जो नगर निकाय का चुनाव है उसमें बेहतर तरीके से संघीय ढांचे का निर्माण करेंगी और जिला अध्यक्ष सुनील कुमार जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी का संगठन का विस्तार करते हुए नगर निगम चुनाव में हमारे पार्षद प्रत्याशी जीते वो बातें जन जन पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल लेके आएंगे और ये हमारे हाथ में है, हम बदलाव लेके आएंगे और सुरक्षा को अपने साथ लेके चलेंगे। सुरक्षा हमारा कौन है? केजरीवाल जी है। हमारा CCTV कैमरा केजरीवाल जी है, तो हमें अपने कैमरे को यानी केजरीवाल जी को अपने साथ लेके चलना है और उनके साथ में कदम से कदम मिला करके उनको लेके आना है। यूपी में एक बड़ा नाम होगा, क्या होगा? केजरीवाल। अब चलेगी झाड़ू और क्या चलेगी? सिर्फ झाड़ू चलेगी, ना कोई फूल खिलेगा ना कोई साइकिल चलेगी, सिर्फ चलेगी झाड़ू। तो एक बार जैसा कि बताया और होली कानपुर में बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में भी आम आदमी पार्टी के द्वारा सुना गया कि इनके बारे में पूछेंगे होली का महत्व कानपुर में गया। भाई होली का कानपुर में क्या महत्व? गंगा मेला के बारे में आपको बताया। कानपुर जो है वो क्रांतिकारी है, तो कानपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पे 7 दिनों तक हम होली खेलते हैं, जिसके उपलक्ष्य में कल कानपुर में गंगा मेला का आयोजन होगा जहाँ पे हजारों की संख्या में सरसैया घाट पे लोग जाते हैं और आम आदमी पार्टी कानपुर भी वहाँ पे अपने बैनर तले लोगों का स्वागत और अभिनंदन करेगी और वहाँ पे स्वागत करेगी और इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से कानपुर में मनाया जाता है। आम आदमी के सुनील कुमार गौतम जी है जो की जिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी से, इनसे भी कुछ होली के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस पावन पर्व पे? आप देशवासियों को क्या संदेश देना? देशवासियों को मैं यही कहूंगा कि देश को रंगों में ना बांटें, ये त्योहार एक प्रेम का प्रतीक है और जिस प्रकार से सारे रंग को मिला करके एक होली बनती है उसी प्रकार से हमारा, जैसे जिस प्रकार से एक बात थी कि बुजुर्गों ने कहा कि हमारा देश जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई का नारा था और आज जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, मैं उसका। ये थी कानपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।